ऑल माय सन के टेक्स्ट हम लाइन वाइज करेंगे। पेज नंबर 2 से हमारा टेक्स्ट शुरू होता है, उसमें स्टेज की सेटिंग है और उसमें आपको पहले दो कैरेक्टर्स जो हैं वो जिम और केलर मिल रहे हैं। जिम और केलर आपस में बातचीत कर रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल बातचीत है और यहाँ पे हमको किसी भी तरह की अनहोनी का, किसी भी तरह की गलत चीज़ का एहसास नहीं होता है। जिम केलर से पूछता है, वेयर इज़ योर टोबैको? आई थिंक आई लेफ्ट इट ऑन द टेबल, गोना रेन टू नाइट। अब अपनी टोबैको मांगता है जिम। केलर कहता है कि टेबल पे ही रखा हुआ है और ये भी कहता है कि शायद बरसात होगी। जिम पूछता है, पेपर से सो? केलर, या राइट हेयर, देन इट कांट रेन। अब यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमर है। जिम कहता है, पेपर में ये खबर पड़ी है? तो केलर कहता है कि नहीं, शायद। तो उसने बोला, फिर तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तब तक फ्रैंक ल्यूबे आता है और वो बोलता है, हाय। हेलो फ्रैंक, व्हाट डूइंग? नथिंग, वॉकिंग ऑफ माय ब्रेकफास्ट। दैट्स ब्यूटिफुल, नॉट अ क्लाउड। और फ्रैंक कहता है कि मैं सैर कर रहा हूँ, मैंने इतना नाश्ता कर लिया है, उसको पचाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आसमान को देख के बोलता है, अरे वाह, कितना खूबसूरत है, एक भी बादल नहीं है। केलर, या नाइस। फ्रैंक, संडे ऑट टू बी लाइक दिस। फ्रैंक कहता है, संडे ऐसा ही होना चाहिए जब कोई बरसात न हो। केलर पूछता है, वॉन्ट द पेपर? यानी न्यूज़पेपर पढ़ना है क्या? ये सेकेंड पेज। थर्ड पेज, वॉट इज़ द डिफरेंट? इट्स ऑल बैड न्यूज़, वॉट्स टूडेज कैलामिटी? फ्रैंक थोड़ा सा डिप्रेसिव टाइप है, वो कहता है कि न्यूज़पेपर क्यों पढ़ूँ, बुरी खबरें ही आती हैं, आज की बुरी खबर क्या है? केलर कहता है, आई डोंट नो, आई डोंट रीड द न्यूज़ पार्ट एनी मोर, इट्स मोर इंटरेस्टिंग इन द वॉन्ट एड्स। केलर कहता है, मैं तो न्यूज़ पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं तो वॉन्ट वाले एड्स पढ़ता हूँ, जिसमें किसी किसी चीज़ के लिए कोई बात कर पूछी जाती है वो पढ़ता हूँ। फ्रैंक, वाई यू ट्राइंग टू बाय समथिंग? फ्रैंक पूछता है, क्या तुम कुछ खरीदना चाहते हो? केलर, नो, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड टू सी वॉट पीपल वॉन्ट, यू नो, फॉर इंस्टेंस, हियर इज अ गाय इज लुकिंग फॉर टू न्यू फाउंडलैंड डॉग्स। नाउ वॉट विल यू डू विद टू न्यू फाउंडलैंड डॉग्स? अब केलर कहता है, मुझे तो बस एड्स पढ़ने में मज़ा आता है। अब देखो, एक आदमी ने क्या मांगा है, क्या पूछा है, किसी के पास दो न्यू फाउंडलैंड डॉग्स हैं क्या? ये न्यू फाउंडलैंड एक तरह की डॉग्स की ब्रीड होती है। वो कहता है कि किसी को क्या करना है दो कुत्ते खरीद के न्यू फाउंडलैंड। फ्रैंक बोलता है, दैट्स फनी। केलर, हियर इज अनदर वन, वॉन्टेड ओल्ड डिक्शनरीज, हाई प्राइसेस पेड। नाउ व्हाट्स अ मैन गोइंग टू डू विद एन ओल्ड डिक्शनरी? केलर एक दूसरी खबर बताता है, कहता है, क्या मांग रहे हैं? पुरानी डिक्शनरी। अरे, पुरानी डिक्शनरी के लिए क्या कर रहा है? लेकिन उसके लिए बहुत सारे पैसे वो देने को तैयार है। फ्रैंक, वाई नॉट, प्रॉबेबली अ बुक कलेक्टर। फ्रैंक कहता है, हो सकता है वो किताबें कलेक्ट करता हो। केलर, यू मीन ही विल मेक अ लिविंग आउट ऑफ दैट? केलर कहता है, क्या तुम सोचते हो इससे वो कमाएगा? फ्रैंक, श्योर, देयर इज अ लॉट ऑफ देम। फ्रैंक कहता है, हाँ, बहुत सारे लोग इन चीज़ों से कमाते हैं। केलर, ऑल द काइंड ऑफ बिजनेस गोइंग ऑन इन माई डे, ईदर यू वर अ लॉयर और अ डॉक्टर और यू वर्क ऑन अ शॉप। नाउ, केलर कहता है, देखो क्या दुनिया हो गई है, हमारे टाइम में या तो कोई वकील होता था या डॉक्टर होता था या कोई दुकान पे काम करता था। और अब? फ्रैंक, वेल, आई वाज गोइंग टू बी अ फॉरेस्टर वंस। फ्रैंक कहता है, तुमको पता है मैं किसी ज़माने में एक फॉरेस्टर बनना चाहता था। केलर, वेल, दैट शोज़ यू, इन माई डे देर वॉज नो सच थिंग। केलर कहता है, हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था। यू लुक एट अ पेज लाइक दिस एंड रियलाइज हाउ इग्नोरेंट यू आर। अब जब मैं ये अखबार पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं कितना इग्नोरेंट हूँ। फ्रैंक, हे, व्हाट हैपन टू योर ट्री? फ्रैंक सडनली नोटिस करता है कि केलर के पीछे के बैकयार्ड में एक पेड़ लगा हुआ था, वो टूट चुका है। तो वो पूछता है, अरे तुम्हारे पेड़ को क्या हुआ? केलर कहता है, आंट दैट ऑफुल, द विंड मस्ट हैव गॉट इट लास्ट नाइट, यू हर्ड द विंड डिडंट यू? केलर ने कहा, बहुत ख़राब हुआ ज़रूर, इतनी देर कल रात को तूफान आया था, उसी वजह से टूट गया होगा। फ्रैंक, या आई गॉट अ मेस इन माई यार्ड टू। फ्रैंक कहता है, हाँ, मेरे भी पीछे के एरिया में बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है, वॉट अ पिटी, वॉट विल केट से? और फिर वो कहता है, ये तो बहुत दुख की बात है, केट ने क्या बोला? केलर, दे आर ऑल अस्लीप येट, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हर टू सीड। केलर कहता है कि वो सब अभी सो रहे हैं और मैं इंतज़ार ही कर रहा हूँ कब वे उठेगी और इसको देखेगी।